नमस्कार, मैं हूं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज शॉर्ट। आज हम पुनः आ चुके हैं सरस्वती शिशु मंदिर में, जहां पर त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला का आज समापन हुआ और बहुत सारे मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षक आए हुए हैं, कुछ नवोदय से आए हुए हैं। और आज इसी उपलक्ष्य में इसी स्कूल से, इसी विद्यालय से खुशी कुमारी जो है पिछले साल मैट्रिक एग्जाम में अपना नाम रोशन की थी, अपने प्रखंड का, अपने जिले का। तो आइए हम इनसे आज बातचीत करते हैं और यहाँ के बताते हैं। तो स्वागत है खुशी जी, मैं चलने आपका धन्यवाद। आप इसी स्कूल का प्रोडक्ट हैं और इसी स्कूल के माध्यम से अपने नाम रोशन करने का काम किए थे, बताना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में? जी, मेरा प्राथमिक शिक्षा यहीं तक रहा था। मेरा इस स्कूल से 7 सालों का संबंध है। इस स्कूल में आने के बाद हमें ये पता चला कि संस्कार क्या होता है। इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि बच्चों को संस्कार दिया जाता है, कैसे अपने माता पिता के साथ रहना है, कैसे बड़ों के साथ रहना है, कैसे अतिथि का सत्कार करना है, वो सब शिक्षा हमें यहाँ से दी जाती है। जैसा कि मतलब हम इस स्कूल में आए थे तो हमें उतना जानकारी नहीं थी बातों की, लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब मेरा जो बेस होता है ना, वो बेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था यहाँ आने के बाद। 7 क्लास तक मेरा यहाँ पे रहा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कक्षाएं नहीं चली तो हमें नहीं यहाँ पे साधन मिलने की वजह से दूसरे विद्यालय में जाना पड़ा। अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में 12th का मतलब एग्ज़ाम है अगले साल, और प्लस में मेरा JEE का प्रिपरेशन हो रहा है, जो ऑनलाइन क्लास आकाश बायजू से फ्री में होता है। जिला स्तरीय पर एक एग्ज़ाम हुआ था और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो कलेक्ट्रेट में जो DM सर का चैम्बर होता है ना, उसके बगल में मेरा क्लास चलता है, उस DM सर की निगरानी में चलता है। हम लोग जब भी वहाँ पर क्लास करने जाते हैं तो DM सर आकर हम लोग से बातचीत करते हैं, कुछ भी हम लोगों को समस्या होता है तो मतलब उसका निदान करते हैं। आज के इस भौतिक युग में जहाँ एक तरफ लोग मॉडर्न स्कूल के पीछे भाग रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग के पीछे भाग रहे हैं, और आप इस स्कूल की छात्रा रह चुकी हैं, तो क्या इस स्कूल में पढ़ना सही होगा आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए? क्या अपने बच्चों को, क्या अपने रिश्तेदारों को इस स्कूल के बारे में बताना सही रहेगा? जी बिल्कुल। हम मेरी भी एक मासी की लड़की है, मेरी मम्मी बोली कि उस स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं, कि तुम यहाँ भेजो, हम वहाँ पे मतलब एडमिशन करवाएंगे। इस स्कूल में मतलब मेरे रिजल्ट के आने के बाद मेरे गांव से मतलब लगता है 20-25 बच्चे आते हैं पढ़ने सिर्फ मेरे नाम पे, कि उस स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाई होता है, कि इतना अच्छा मार्क्स लाई है। तो इस स्कूल का तो मतलब बहुत अच्छा योगदान रहता है। यहाँ पे जो कमज़ोर छात्र रहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है। आचार्य जी, दीदी जी का बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। यहाँ पे मतलब ये है आने के बाद कि कमज़ोर छात्र के लिए मतलब वो अपना बेस मजबूत कर ही लेंगे। यहाँ बच्चे पढ़ के बड़े से बड़े जो आगे के होते हैं, नीट वगैरह होते हैं, ये क्या पॉलिटेक्निक होते हैं, चाहे और भी जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं, तो सफलता यहाँ से पाया जा सकता है, मतलब नीचे का जो बेस है मजबूत हो जाएगा? हाँ, एकदम हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, मेरा भाई 10th का एग्ज़ाम दिया है कल ही उसका रिजल्ट, उसमें भी मतलब बहुत अच्छा उसका भी परफॉर्मेंस रहा है। हम चाहते हैं कि अगर मतलब हम छोटे बच्चों को ही कहना चाहेंगे कि आप छोटे बच्चों को यहाँ से भेजिए, यहाँ से ही बच्चे मतलब ऊंचाइयों तक छूते हैं। इस स्कूल का सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है। शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं, इनके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हम 7 साल रहे हैं, 7 साल में मुझे ऐसा कभी नहीं लगा है आचार्य जी जी के साथ कि मेरा संबंध खराब हुआ हो कभी भी। हमको मतलब सभी आचार्य जी दीदी बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। हम 7 साल के बाद भी यहाँ आ रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा है हमको कि मतलब इतने दिनों के बाद हम यहाँ आ रहे हैं या कुछ और, मतलब लग रहा है कि हाँ हम अपने स्कूल में आए हैं। ये इसी स्कूल से एक और जो है बच्चे अपना नाम रोशन करने का काम किए हैं, CB रमन टैलेंट सर्च एग्जाम में जो है इन्होंने अपना झंडा लहराया है, तो आइए हम विशेष रूप से इन्हीं से जानेंगे। तो बहुत बहुत आपको बधाई हो इस उपलब्धि के लिए। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं इस लेवल पे मैं इस स्कूल का बेस मजबूत करने में सभी टीचर को मैं सहयोग देना चाहूँगा, और मेरा जो करंट विद्यालय है मैं उसका भी सहयोग देना चाहूँगा। मतलब यहाँ जो आपको शुरू में बेस जो मजबूत किया गया उसी का नतीजा हुआ कि आप बड़े से बड़े जो एग्ज़ाम है आप उनको इजीली निकाल रहे हैं? यस। सर के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं?
यहाँ पे सभी टीचर मतलब यहाँ पे सभी टीचर अपना अपना बेस्ट देते हैं और सभी छात्रों को मतलब बेस्ट बनाने में हमेशा मदद करते हैं। वो मुख्य बातें जो 3 दिन के अंदर जो यहाँ पर घटित हुई, तो हम चाहेंगे सर संक्षेप में हमें बताने का प्रयास करें। सर यहाँ पर कार्यशाला के माध्यम से हम लोगों ने विगत वर्ष में जो भी कार्य योजना बनाई थी उसका समीक्षा किए और आगामी वर्ष में हमारे जो केंद्रीय विषय हैं वे केंद्रीय विषय कैसे प्रभावी हों, बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कार कैसे प्रभावी रूप में सीखें, बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, बच्चे कैसे मानसिक स्तर से, बौद्धिक स्तर से, शारीरिक स्तर से, आध्यात्मिक स्तर से टैलेंटेड हों, इसके लिए हम लोगों ने कार्यशाला में योजना बनाई। और हमारे विद्यालय में जिला स्तर पर, विभाग स्तर पर, प्रांत स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें कि खेलकूद की प्रतियोगिता हुई, प्रश्न मंच की प्रतियोगिता हुई, कला संगम की प्रतियोगिताएं हुई, विज्ञान प्रदर्श मॉडल की प्रतियोगिताएं हुई। तो इनका हम कैसे तैयारी कराएंगे, इनका विधिवत विभाग बना करके सभी हमारे जो आचार्य दीदी जी हैं उनको सौंपा गया उसका दायित्व, और उस दायित्व के विषय में विस्तृत इस कार्यशाला के माध्यम से चर्चा की गई। आप सबों का सहयोग, यहाँ का लोगों का सहयोग, और विशेषकर मेरे सबसे बड़े अंग आचार्य हैं, जो आचार्य का एक बाहुबल मुझे मिल रहा है जिसमें विद्यालय प्रगति की ओर है। और एक सबसे खुशखबरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे नेक्स्ट वर्ष पूर्व में पूरे बिहार में कक्षा अरुण में हमारी एडमिशन सबसे ऊपर रही है।